जब सुखबीर सिंह बादल आ गया तो उसने डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म कर दिया पार्टी में। बहुत दुख लगा कि यार श्रोमणी अकाली दल जो इतने कुर्बानियों के साथ बनी है, तो अगर किसान मर गया तो सारा देश ही देश मर गया। सारियां पॉलिटिकल पार्टी हैं जो पंजाब की, इंक्लूडिंग कांग्रेस, सब ने कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी लड़ाई के साथ हैं। इलेक्शन के बाद मालूम होगा किसको लोगों ने चुना है। अगर हमें चुना तो असली अकाली दल हमारा हो जाएगा। अकाली दल की कदे ऐसी छवि नहीं बनी जो आज बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी, समा दिनेश के साथ कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पंजाब आजकल राजनीतिक बयानबाजी का अखाड़ा बना हुआ है। विरोधी पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं कि विकास नहीं हुआ। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विपक्षी पार्टियां बेवजह के गाहे बगाहे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही हैं। यह होना लाजमी भी है क्योंकि विधानसभा इलेक्शन 2022 में पंजाब में ड्यू हैं और उसी को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अलग अलग मुद्दों पर आज सड़कों पर हैं, आंदोलनरत हैं और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जो छवि है उसे सुधारने में या आगे आकर लोगों के बीच में जाने का प्रयास अपनी तरफ से करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ही शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के रूप में एक नया नाम हाल ही में सामने आया था पंजाब की राजनीति में, जिसमें ना सिर्फ पंजाब की बल्कि देश की राजनीति का जाना माना चेहरा, सीनियर राजनीतिक लीडर के रूप में सदा सुखदेव सिंह ढींसा, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक नाम से दल की स्थापना की। स्वागत करते हैं ढींसा साहब आपका। बहुत बहुत मेहरबानी जी आपकी, बहुत मेहरबानी। ढींसा साहब, सबसे पहले चूंकि पंजाब की राजनीति अब हम सब जान ही रहे हैं कि विधानसभा इलेक्शन सामने खड़े हुए हैं और ऐसे में अब जो जिस तरह से राजनीतिक हालात हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले समय में पंजाब की राजनीति का परिदृश्य क्या है आने वाले समय में? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग बहुत पार्टियां राजनीति कर रही हैं, लेकिन आज राजनीति करने का सवाल नहीं, वक्त नहीं है। आज है कि किसानी को कैसे बचाया जाए, पंजाब को कैसे बचाया जाए, पंजाब के यूथ को कैसे बचाया जाए, पंजाब के हालात ठीक कैसे किए जाएँ, पंजाब का मजदूर है जो किसान के साथ, मजदूर को कैसे बचाया जाए, आज उसकी ज़रूरत है, ना कि राजनीति की। वो तो जब आएंगी तो दो डेढ़ साल रह गया इलेक्शन में, उस दिन उस वक्त कर लेना राजनीति जो करनी है। लेकिन आज इकट्ठे होके, जैसे भारतीय किसान यूनियन बहुत हैं पंजाब में, लेकिन इकट्ठे होके लड़ाई लड़ रही हैं और आम तौर पे मोस्टली सभी पॉलिटिकल पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं। आज लोड है, आज ज़रूरत है उसकी कि हम इकट्ठे होके किसानी के लिए, क्योंकि किसानी के साथ ही सारी हर चीज़ जुड़ी हुई है, चाहे कोई आड़ती हैं, मजदूर हैं, दूसरे हैं और नौजवान हैं। खास करके नौजवानों के लिए हमारी पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि किसान और नौजवान दोनों को, किसानी और जवानी बचाने के लिए हमने कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि अभी नवी नई पार्टी है और हम चाहेंगे कि उनका जो कंट्रोल है ज़्यादा नए बच्चों को, नए जवानी के लड़के को, लड़कों को दिया जाए। सरदार प्रकाश सिंह बादल के साथ में आपने शिरोमणि अकाली दल को पौधे से पेड़ के रूप तक आज जो आप ये सफ़र आपने साथ तय किया था, अचानक हालात इतने बदतर हो गए कि आपको अलग चलना पड़ा? उसका कारण ये था कि जब सुखबीर सिंह बादल आ गया तो उसने डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म कर दिया पार्टी में। उसने कोई किसी से का मालूम नहीं करा, कोई कोटरी जी, दो चार लोग जिन्होंने सरकार में पैसे कमाए तो उनको साथ लेकर, कोई सीनियर आदमी को उन्होंने पूछना नहीं, जो फैसले करने अपने आप करने हैं। और जो कुछ हुआ उसके, जब उनके पास 5 साल पिछली सरकार रही, क्योंकि वही थे और अल्टीमेटली वो तो चीफ मिनिस्ट्री का काम वही करते थे, ऑफिसर उनकी ज़्यादा मानते थे, चीफ मिनिस्ट्री की कम मानते थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन का बोलबाला कर दिया। इसलिए हमें बहुत दुख लगा कि यार श्रोमणी अकाली दल जो इतने कुर्बानियों के साथ बनी है, जो जिसने चाहे आज़ादी, चाहे गुरुद्वारा आज़ादी के, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जब गुरुद्वारे आज़ाद हुए तो उन्होंने कहा आज़ादी की पहली जंग जीत ली है,
उसके अलावा सबसे ज़्यादा कुर्बानी भी आज़ादी की लड़ाई में भी हमारी हुई। हमारा नुकसान हुआ पंजाब का सबसे ज़्यादा जब 47 में बंटवारा हुआ जी, और जब दो जंगें लगी पाकिस्तान के साथ तो भी पंजाब का नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा। बच्चे भी पंजाब के शहीद हुए, अब भी पंजाब के किसानों के बच्चे हैं जो शहीद हो रहे हैं। और इसके अलावा 84 में जो 80 से ला के 1992 तक जो पंजाब का बुरा हाल हुआ, आप जानते हैं कि जो पंजाब को उठना, मैं ये चाहूँगा कि सेंटर की सरकार को भी ये देखना चाहिए कि बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान चाहता है कि कोई ना कोई तरीका ऐसा मिले वहाँ पर गर्व हो, तो उन्हें नहीं चाहिए था कि इतना सख्त कानून जो लोग हमारे किसान बुरा मानते हैं और वो समझते हमारे खिलाफ आए हैं, उसको उनके साथ बैठ के फैसला करना चाहिए था। कृषि बिल पे शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक, आपका जो दल है अपना, आपकी पार्टी है, उसका क्या अपना टेक है, क्या स्टेक है? देखो, हम चाहते हैं कि किसान को जो ये बिल बने एक्ट बने हैं तो ये बिल्कुल एक एंटी किसान बने हैं, बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के को हाथ में चली जाएगी सारा बिजनेस, तो किसान मारा जाएगा, छोटा किसान तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और मार्केटिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, मंडी बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, मार्केट कमेटियाँ ख़त्म हो जाएंगी और मजदूर ख़त्म हो जाएंगे। मजदूर कहाँ से आएंगे, तो बड़े बड़े शहरों में आएंगे, ट्राली आएगी तो वो अपना अनाज देकर दे जाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ आड़ती ख़त्म हो जाएंगे। देखो कितना लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर किसान मर गया तो सारा देश ही अकेले पंजाब ही नहीं, सारा देश मर गया। इस बिल के विरोध के समर्थन में मैडम हरसिमरत कौर बादल ने अभी केंद्रीय मंत्रालय से अपना इस्तीफा दिया, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, वो तो मजबूरी में दिया उन्होंने, आज भी वो मजबूरी में ही काम कर रहे हैं। सारी पार्टियों ने, किसान यूनियन जो इकट्ठी हुई हैं, बहुत खुशी की बात है, वो पहली दफ़ा इकट्ठे हुए हैं, सारियाँ पोलिटिकल पार्टी हैं जो पंजाब की, इंक्लूडिंग कांग्रेस, सब ने कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी लड़ाई के साथ हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम चक्का जाम करेंगे। चक्का तो जाम करेंगे, जाकर कोई बस चलती हो वो तो पहले ही बंद है, बंद में तो कोई बस नहीं चलती, कोई चक्का किस चीज़ का जाम किया उन्होंने, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम अलहदा हैं और NDA में वो रहना चाहते हैं और NDA में ही अभी हैं वो, तो लोग समझते हैं कि हो सकता है कि सरकार ने उन्होंने किसानों की जदोजहद जो उसको तारपीटो करने के लिए भेजे। पिछले दिनों आपने कहा कि श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक जो आपकी पार्टी है वो पंजाब के अलावा बाकी पड़ोसी राज्यों में भी अपने पैर पसारेगी, चाहे फिर हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली जैसे राज्यों में आप जाना चाहेंगे, तो क्या आगे की रणनीति क्या है कि आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है यहाँ तो आप अलग से फाइट करेंगे और उसके अलावा भी बाकी राज्यों में भी आपने अगर? देखो, हम अपनी पार्टी जरूर बना रहे हैं, फिर देखेंगे वहाँ पर क्या होता है। देखो, हरियाणा में लोग तैयार बैठे हैं, वो कहते हैं वो ये कोरोना के लिए, महामारी के लिए, लॉकडाउन होने के लिए के कारण हमें वक्त नहीं मिल सका। दिल्ली में मैं जा रहा हूँ, पहले भी 100-150 आके ज्वाइन करके थे मेरे घर में आके, और अभी मैं नेक्स्ट संडे, कल वाला नहीं, नेक्स्ट संडे फिर जा रहा हूँ और उस दिन भी काफ़ी लोग ज्वाइन करेंगे। जम्मू का यूनिट है जो हमारा अकाली दल का, उसने यूनानी मसली हमारे हक में सपोर्ट दे दिया, इसलिए हम सारे देश में ही जहाँ सिख बसते हैं हम अपनी पार्टी का गठन करेंगे। टिंडसा साहब, अभी इसके इतर एक बात निकल के आई कि आपको अभी शिरोमणि अकाली दल का प्रधान के रूप में पेश किया गया सामने, जिसकी खिलाफत करते हुए दलजीत सिंह चीमा और शिरोमणि अकाली दल के अलग और भी नेता कहते हैं कि यह सरासर गलत है, फ्रॉड है और इलीगल है, तो ये दो बातें कहाँ से? ये एक तरफ शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक अपने पैर पसार रहा है, दूसरी तरफ आप शिरोमणि अकाली दल के प्रधान जो कि ऑलरेडी सुखबीर बादल हैं, आपने कहा कि सुखबीर बादल नहीं है और अब आपको चुन लिया गया है, तो ये दो बातें कहाँ से? ये तो देखिए, इलेक्शन के बाद मालूम होगा किसको लोगों ने चुना है, अगर हमें चुना तो असली अकाली दल हमारा हो जाएगा।
तो ये तो इलेक्शन के बाद ही मालूम होगा ना, SGPC इलेक्शन आएगी, असेंबली इलेक्शन आएगी। अगर हम जीत जाते हैं तो हमारा भी इलेक्शन कमीशन भी हमें मानेगा और लोग भी हमें मानेंगे, अगर हम ना जीते तो उनको मानेंगे। इसलिए ये तो लोगों के, ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो जिसके साथ लोग हैं उनके उनको मानेंगे पार्टी। पहले भी बादल अकाली दल तो है नहीं था, उस वो तो अलहदा अहद बादल अकाली दल लड़े थे, लेकिन बरनाड़े के पास था अकाली दल। जब बरनाड़ा हार गया तो अकाली दल बादल का हो गया, श्रोमणी अकाली दल हो गया। अगर हम जीत जाते हैं तो हमारा श्रोमणी अकाली दल बन जाए। कहा यह भी जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो कांग्रेस के शय पर आप कर रहे हैं, ये कांग्रेस को कह रहे हैं। कांग्रेस के साथ जितनी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ी नहीं रहे। और दूसरा, कई लोग हैं जो वो कहते हैं कि नहीं जी, इनकी तो बीजेपी के साथ मिली हुई है। बीजेपी के साथ भी हमने सबसे पहले किसानों के हक में आवाज उठाई। कोई कहता है ये आम आदमी पार्टी के साथ है जी, ये उनके साथ मीटिंग हो गई, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम किसी के साथ नहीं, हम अपनी पार्टी की ताकत बढ़ा रहे हैं, और जो ताकत बढ़ रही है दिनों दिन, उसको ये लोग पसंद नहीं करते। कोई किसी के साथ जोड़ता है, कोई किसी के साथ जोड़ता है, हमें कोई परवाह नहीं कौन किसी के साथ जोड़ता है। टिंचा साहब, शिरोमणि अकाली दल ना सिर्फ केवल एक पार्टी है बल्कि लेगेसी कही जा सकती है भारतीय समाज का, खासकर पंजाबियत में, क्योंकि 1920 की ये पार्टी आज 100वां साल 2020 में आज मैं और 100 साल आज अपना मना रही है शिरोमणि अकाली दल। बावजूद पंजाब में आज भी हालात जो हैं 1947 और पहले के और 1947 से बाद के, बहुत खास अंतर नहीं है। केवल अगर देखा जाए तो इतना है कि अंग्रेज 1947 से पहले अंग्रेज हुआ करते थे, और उसके बाद में नशा, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, माइग्रेशन, इन सब ने पैर पसार लिया। तो ये कहीं ना कहीं अपनी, आपको नहीं लगता कि शिरोमणि अकाली दल भी कहीं ना कहीं कटघरे में है कि पंजाब के लिए उस तरह से काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? नहीं, हम इसीलिए अलहदा हुए हैं कि हमारी पार्टी पे बड़े इल्ज़ाम लगे कि हम नशे का काम हमारे लोगों ने किया, हमारी सरकार के वक्त किया। अकेले नशों का नहीं, रेते का, बजरी का, और ठेके, शराब के ठेकों का, कौन कौन सी मैं गिनाऊंगा आपको, तो सरी सभी इल्ज़ाम हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ है। तो अकाली दल का आपका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अकाली दल की कदे ऐसी छवि नहीं बनी जो आज बनी हुई है, तो उसी को बचाने के लिए हमने कोशिश की है, तो कोशिश करेंगे कि उसको बचाएं और उसी लेवल पर लेकर आएँ जो श्रोमणी अकाली दल का इतिहास है। प्रमुख एजेंडे के रूप में आप किस तरह से पंजाब को आने वाला समय देखते हैं, या प्रमुख एजेंडे आपके हिसाब से कौन से हो सकते हैं जिनको अभी पंजाब में प्रमुखता जोर देने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है? देखो, हम तो जो श्रोमणी अकाली दल ने जो बाद के हैं उन्होंने छोड़ दिया, हम श्रोमणी अकाली दल का वही इतिहास दोहराएंगे। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी देख के कमेटी बनाई है, उन्होंने तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। असल में तो हम उनके उसमें देंगे भी क्या क्या करेंगे, लेकिन जैसे मोर पावर टू द स्टेट फेडरल सिस्टम है, उसके लिए पंजाब पंजाबियत के लिए और नौजवानों को आगे करने के लिए, नौजवानों को बचाने के लिए, और गरीब आदमी को जो शेड्यूल कास्ट हैं, मुलाजिम हैं, जो भी जथेबंदी हैं, वो सबको हम साथ लेकर चलेंगे। पंथ का मतलब है कि सभी को साथ लेकर चलना, सारी हिंदू जथेबंदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, कोई हो, सबका साथ लेकर चले। बस एक आखिरी सवाल, यहाँ पे जब आपने पंजाबी और पंजाबियत की बात की, तो पंजाबियत केवल पंजाब में नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों में पंजाबियों ने जो धूम मचाई है, जो वर्चस्व अपना कायम किया है, वो काबिले गौर है। ऐसे में जो बाहर बैठा NRI पंजाबी है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब पंजाब में इस तरह के हालात देखे जाते हैं, चाहे वो नशा हो या बेरोजगारी हो, तो उनको किस तरह से NRI पंजाबी इसको किस तरह से साथ लेने की कवायद हो सकती है? देखो, NRI को हम ये करेंगे, देखो उनको एक तो है अपने धन की बात करते हैं सारे, उनको श्रोमणी कमेटी में मेंबरशिप तो मिल नहीं सकती क्योंकि NRI है, लेकिन उनका कैसे उसमें कोई दखल हो या उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, वो हम जरूर करेंगे, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे कि हम आपका किसी ना किसी ढंग से उसमें आपकी पार्टिसिपेशन हो, धर्म के लिए वो भी करेंगे। दूसरा है कि जो NRIs होंगे, जो उनको तकलीफ़ें होंगी,
कल को अगर साड़ी हमारी सरकार बनती है तो उनकी तकलीफें दूर करने के लिए भी हमारी कोशिश होगी। और मुझे बिल्कुल ठीक है, आपने कहा अभी हमारी बात मानी नहीं गई, कश्मीर में तो पंजाबी को ख़त्म कर दिया किस्म का, लेकिन आप जाओ वैनकूवर, वहाँ पर पंजाबी लागू है, एयरपोर्ट पे जाओगे तो बड़े लफ्जों में लिखा है जी आए को, इसीलिए उन्होंने सभी रोड्स का नाम पंजाबी में रखा है। वो लोग हैं जो पंजाबी, हमारे तो एक दो मिनिस्टर होंगे वक्त वक्त सिख होते हैं पंजाबी होते हैं, लेकिन उनमें 5 मंत्री बना दिए कनेडा में, सारे तकरीबन बड़े मुल्क हैं जो जहाँ पर पंजाबियों की आबादी है वहाँ पर MP बड़े बन गए। इसलिए उन लोगों को अपने मुल्क की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमारे से ज़्यादा, उनके पास पहले खबर चली जाती है हमसे पहले, क्योंकि जब हमारे रात होती है वो उनके सुबह होती है, उनको अखबार वगैरह पहले मिल जाते हैं, इसलिए उनको दर्द है अपने देश का। केवल एक और सवाल जहन में बात करते करते आया कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में क्या लगता है कि जो NDA का घटक दल सबसे बड़ी जो प्रादेशिक पार्टी है अकाली दल, क्या वो 7 चुनाव लड़ेंगे या इस घटनाक्रम के बाद इस इस्तीफे के बाद में अलग अलग राह पकड़ेंगे? मेरा ख्याल ये तो मालूम हो जाएगा कि वाकई उन्होंने इनको भेजा है तार पीटो करने के लिए, फिर तो उनका गठबंधन रहेगा। अगर ये बिल्कुल ठीक किसानी के लिए छोड़ा है इन्होंने, जो कहते हैं कि किसानी के लिए छोड़ा है हमने, तो फिर टूट जाएगा। आज प्रकाश टीवी के माध्यम से देश के युवा, पंजाब के युवा खासकर, और किसानों को जो आज हालात हैं, किसान सड़क पर आज आंदोलनरत हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो मैं समझता हूँ, मैं नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उनमें ये था जब हम पार्टी बनाने जा रहे थे तो नौजवान ये कह रहे थे कि अकाली दल ना रखो नाम, क्योंकि बदनाम कर दिया बादलों ने बहुत। मैंने कहा अकाली दल बदनाम नहीं हुआ, जो प्रेसिडेंट पहले भी बनते रहे हैं और वो बदलते रहे हैं, पहले भी बड़े बड़े लीडर बदले हैं, ये नहीं है मास्टर तारा से बड़े नवास हमारे, उसके बाद संत फतेह सिंह आए उनको चेंज कर दिया, फिर संत फतेह सिंह ने वही गलती की तो संत फतेह सिंह की उसको चेंज करके पार्टी ने तुड़को बना दिया, फिर तलवंडी आए तलवंडी को भी बदल दिया। इसलिए ये तो पार्टी में आता है चले आता है, इसलिए मैंने उनको कहा कि नहीं ऐसे ना करो, आप अकाली दल को मारा ना कहो, अकाली दल तो बहुत बड़ा इतिहास है, अकाली दल का पीछे कोई भी पार्टी नहीं कह सकती जो सुनहरी इतिहास अकाली दल का है, इसलिए अकाली दल की लीडरशिप चेंज करो ना कि अकाली दल को नाम चेंज करो। इसलिए मैं समझता हूँ बस हम श्रोमणी अकाली दल को उसी तरीके से लाना चाहते हैं जो श्रोमणी अकाली दल एक्चुअली उनका प्रोग्राम था। सरदार सुखदेव सिंह ढींसा साहब का कहना था कि जो आज किसान की जो हालत है आगे और भी बदतर हो जाएगी अगर इस बिल को सही तरह से चेंज करके या इसमें जो जायज़ जो मुकम्मल जो उसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए, जो संशोधन होने चाहिए, अगर उनको किए बिना अगर इसे लागू किया जाता है तो यह किसानों के लिए एक बुरे दौर के रूप में साबित होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिरोमणि अकाली दल किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं रही है, इसने हमेशा पंथ के लिए, इसने हमेशा पंजाबियत के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम किया है, और 100 साल ये पुरानी पार्टी आने वाले समय में भी डेवलप होगी और लोगों की भलाई के लिए काम करती रहेगी। ये बात और है कि भविष्य तय करेगा कि इसका प्रधान कौन होगा। आज से हमारे साथ समाज में चर्चा के लिए राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींसा, बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।